मेलबर्न शहर में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान दूल्हे के मामा को युवकों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीर गजरौला के रहने वाले 50 साल के हरिपाल सिंह की है, जिसकी देर रात को बुलंदशहर के संस्कार मैरिज होम में सिकंदराबाद से आई भांजे लवी की बारात आई थी और डीजे बजाने से रोकने को लेकर दो गुटों में हुए झगड़ों के बीच बचाव करने के दौरान पीट पीट कर हरिपाल सिंह की हत्या कर दी गई। दरअसल गजरौला में रहने वाले हरिपाल सिंह के भांजे लवी की कल सिकंदराबाद से बुलंदशहर बारात आई थी। आरोप है कि संस्कार मैरिज होम में डीजे बज रहा था। डीजे बजाने से रोकने पर हरिपाल सिंह की वधु पक्ष के युवकों से हाथापाई हो गई। आरोप है कि हरिपाल सिंह को वधु पक्ष के लोगों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। हालांकि बुलंदशहर के एसएसपी का दावा है कि डीजे बजाने को लेकर हुई हाथापाई के दौरान हरिपाल सिंह गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दो को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या कहना है उमेश मृतक के साले का, सुनिए। वहां पर डीजे बज रहा था 11 बजे और इनने हमारे जीजा जी हैं, इनने मना किया था डीजे बजाने के लिए, तो वो बोले कि हमने पैसा लगाया है और ये मना कर रहा है, तू कौन होता है, तो वहाँ से मारना स्टार्ट कर दिया और मारते मारते बाहर तक ले आए और इतने हम इनके पास तक पहुँचे थे और पहुँचने के बाद में हमने देखा तो ये बिल्कुल बेकार हो चुके थे। क्या कहते हैं संतोष कुमार सिंह, एसएसपी बुलंदशहर। देखिए बीती रात थाना कोतवाली नगर के संस्कार मैरिज हॉल में जो है एक बारात आई हुई थी और गजरौला से बारात आई थी। बारातियों में नाच को लेकर के नाचने को लेकर के आपस में विवाद हुआ। उस विवाद को ख़त्म कराने के लिए लड़के के परिवार के सदस्य हरिपाल वहां गए और वहां पहुंचने के बाद धक्का मुक्की हुई जिसमें वो गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल उनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, अभियोग दर्ज कर लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस धक्का मुक्की में हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि चोट कोई ऐसी नहीं है जिससे मौत हो सकती हो। फिलहाल गहराई से पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। ताजा रोचक खबरों के लिए यू ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर